Assalamualaikum and welcome back with a new recipe. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर पे बहुत खुश होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं नो बेक मोल्टन लावा की, और मैंने इसकी आइसक्रीम के साथ इसकी सर्विंग की है। तो आप ये अपने घर पे जरूर रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो नो बेक मोल्टन लावा केक बनाने के लिए जो आपके इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, ये बिस्किट्स ले लें आप कोई भी, मैंने मैरी बिस्किट यूज किए हैं। उसके बाद कोको पाउडर मैंने लिया है हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा लिया है, मतलब 2/3 कप मैंने लिया है। उसके बाद शुगर भी मैंने ली है 2/3 कप। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये ठीक है। उसके बाद वनीला एसेंस मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ये बिस्किट लेंगे और इसको फूड प्रोसेसर में डालेंगे। चाहे तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छे से चॉप कर लेती हूँ ताकि इसके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए जो बिस्किट है ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गए, ये देखिए आप। अब हम आप लोग अपने सिरप की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले एक हम पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ऑलमोस्ट में ही मैंने 1 कप पानी डाला है। पानी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, आज ही हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे, कोको पाउडर, और साथ ही मैं शुगर भी ऐड कर देती हूँ। अब हम इसको अच्छे से डिसॉल्व करेंगे। इसको साथ साथ हम हिलाते भी जाएंगे ताकि इसमें जो है कोई भी लम्प्स ना बने, ये इजीली सारा डिसॉल्व हो जाए। शुगर तो डिसॉल्व हो जाएगी लेकिन आपने ये जो कोको पाउडर है इसके लम्प्स नहीं बनने देने। तो इसको हल्का हल्के हाथों से मिक्स करते जाना। आप चाहे तो विस्क का इस्तेमाल कर लें या इस तरह से कोई स्पैचुला लेके जस्ट मिक्स करते रहें ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने। तो ये देखिए जो ये चॉकलेट का सिरप सा है ये काफी थिक होने शुरू हो गया है। देखिए साथ साइड पे हल्का हल्का लग जाता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तो आराम आराम से साइड से भी उतार दें और इसको थिक होने देना है। देखिए काफ़ी हद तक थिक हो चुका है लेकिन हम थोड़ा सा और करेंगे, फिर इसको तब तक हम लोग पकाते रहेंगे और साथ साथ ही आपने स्पून हिलाते रहना। देखिए ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुके हैं हमें। ये सारा काम आपने मीडियम फ्लेम पे करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हाई फ्लेम पे जलने का इसका खतरा होता है, तो आपने क्या करना है मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो ये देखें ये काफ़ी अच्छी तरह से ये थिक हो गया है, इसका मतलब है ये सॉस हो गया है हमारा रेडी। देखें ठीक है, तो अब हम फ्लेम को करते हैं और इसको थोड़ा कूल डाउन कर लेते हैं। तो ये देखिए जो मैंने चॉकलेट सिरप बनाया था उसमें से मैंने इतना सा, ये ऑलमोस्ट 1/2 कप से थोड़ा सा कम ही है, तो 1/4 कप कह रहे हैं इसको। तो इतना ही जो मैंने एक साइड पे कर लिया, बाकी जो है मैं आगे डो बनाने में यूज करूंगी। ये देख लीजिए यार आप लोग तो आहिस्ता बोले। तो ये देखें ये काफ़ी हद तक जो है ठंडा हो चुका है। ये अब ये जो सिरप है सारा मैं इसमें डाल दूँगी, आराम आराम से डालना है आपको। अभी भी काफ़ी गर्म ही है लेकिन चलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाना आपको। तो ये देखिए मैंने अच्छे से हाथ से इसको अच्छी तरह से एक डो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये देखें ये बहुत ही अच्छी सी एक डो बन गया, अब ये हाथों पे भी नहीं चिपकेगी। इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि ये डो बन जाएगी। ये देखें तो अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने ये चॉकलेट सिरप जो थोड़ा सा रख लिया था ये अंदर जो हम लोग बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे।
मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो ये थोड़ा सा आपने सेव रखना है पहले से। तो अभी देखिए इतना ही मैंने स्मॉल सा बोल ले लिया ये। तो इसके ऊपर मैंने जो सैंडविच पेपर होता है सीलिंग के लिए वो लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको इतना सा पीस मैंने ये लिया इसका, ये डो का, और इसको मैं अच्छे से प्रेस करूँगी हल्के हल्के हाथ से। इसकी एक रोटी सी बना लेंगी इस तरह से थिक सी। तो ये मैंने नीचे रख दिया इसकी बेस में, ये देखें ये, और इसको हल्का हल्का हम प्रेस कर लेंगे। इसी तरह ये लेते जाएंगे और ये साइड वॉल्स पे भी लगा लेंगे ये इस तरह से। लेकिन हमने जो मिडल पोर्शन है वहाँ पे गैप छोड़ना है, इसको फिल नहीं करना हमने, जैसे इसकी वॉल्स पे हम लोगों ने ऐसे लगा। ये देखिए इस तरह से मिडल में गैप आएगा और ये साइड पे हम सारा कवर कर देंगे। ये हो गया हमारा इस तरह से। अब हमने जो चॉकलेट सिरप बनाया था जो बचा के हमने रखा था वो इसमें हम पोर कर देंगे। तो इतना सा हमने डाल दिया अंदर। अब हम थोड़ी सी डो और लेंगे ये देखिए, और इसकी भी हम लोग एक रोटी टाइप बना लेंगे। इसको जस्ट अच्छे से राउंड करेंगे और इस तरह से ये देखिए इस तरह से बन गई। इसमें मैं थोड़ा और डालूंगी चॉकलेट सीरप। आपने बहुत एज तक नहीं भरना यहाँ तक, ये देखें। चाहे तो आप इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर दें ताकि सारी बाइट्स में आपको जाए। ये देखें इस तरह से लग गए। अब ये हम इसके ऊपर लगा रहे हैं और ये जो एजेस हैं इनको अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये बंद हो जाए। ये देखें मैंने सर्विंग डिश ले लिया। अब मैं इसको क्या करूंगी इस तरह से और इसको यूं, और बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये जो शीट है ये उतार देनी है और इसको आराम से आपने निकाल लेना। ये देखिए निकल आया है, कितना ही अच्छा लग रहा है। अब आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं चॉकलेट सिरप के साथ साथ, आप आइसक्रीम के साथ इसकी सर्विंग कर सकते हैं जिस तरह से आपको मजे का लगे। तो ये केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी आइसक्रीम के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये देखें, और साथ ही हम इस पे थोड़ा चॉकलेट सिरप ऐड कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा कट करके ये दिखाती हूँ कि किस तरह का लग रहा है। तो ये देखिए कितने ही मज़े का ये लग रहा है, टेस्ट में भी ये बहुत मज़े का बना है। तो आप अपने घर पे ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।